अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग लैंग्वेज टेक्नोलॉजी के जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ऑटोमेटिकली वर्ड टैगिंग के ऊपर। सबसे पहले मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर कर दूं। लैंग्वेज टेक्नोलॉजी का हम लोगों का कोर्स है और हम लोग बात कर रहे हैं ऑटोमेटिकली वर्ड टैगिंग की। आज हम लोगों का टॉपिक है एनग्राम टैगिंग। एनग्राम टैगिंग बेसिकली हम लोगों ने लास्ट लेक्चर भी इसी पे ख़त्म किया था कि एनग्राम टैगिंग क्या होती है, कि जब हम लोग दो या एन वर्ड को लेकर इस बात पे जज करें कि इस वर्ड के बाद कौन सा वर्ड आता है। फॉर इंस्टेंस हम लोग देख लेते हैं, मैं यहाँ से पेंसिल पिक कर लें। कि मेरे पास दी है, दी के वर्ड के बाद बेस्ट के आने के क्या चांसेस है। तो ये हम लोगों को किस तरह पता चलता है, एनग्राम टैगिंग से। या फिर हम लोग दो वर्ड को मिला लें, दी बेस्ट को, और उसके बाद देखें कि इसके बाद कौन सा वर्ड आने के ज़्यादा चांसेस है। यह है एनग्राम टैगिंग। और हम लोगों ने देखा था कि यूनिग्राम टैगिंग भी होती है, बाईग्राम टैगिंग भी होती है, और इसी तरह एनग्राम टैगिंग। यूनिग्राम टैगिंग में हम लोग एक वर्ड की बेस पर जज करते हैं कि नेक्स्ट वाला वर्ड कौन सा आएगा। कि यूनिग्राम है तो इसके बेस के ऊपर हम जज करेंगे कि इसके बाद मॉडल्स आता है या फिर नहीं आता। ये बेसिकली एक सिंपली स्टैटिकल मेथड होता है जो कि एनग्राम के अंदर यूज़ करते हैं, और हम लोग किसी भी प्रेजेंट टैग के ऊपर खड़े होते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि इस टैग के बाद कौन सा टैग हमारे पास आएगा। अच्छा जी, हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इसकी इंस्ट्रक्शंस है। फर्स्ट है बेस्ड ऑन अ सिंपल स्टैटिक्स, के ये सिर्फ सिंपली स्टैटिक के रूल्स के ऊपर बेस करता है, कि प्रोबेबिलिटीज़ के रूल हो गए, मीन हो गया, मीडियन हो गया, मॉड, और जो भी प्रोबेबिलिटी के रूल्स हैं उन पे। यूज़ ओनली वन आइटम ऑफ कॉन्टेक्ट्स, कि ये एक ही आइटम को एट अ टाइम कंसीडर करता है। जिस वर्ड के ऊपर ये स्टैंड होता है उसी को कंसीडर करता है कि इसके बाद वर्ड कौन सा आएगा। इन केस ऑफ टैगिंग, जब हम लोग इसको टैग डिफाइन कर रहे थे, वी ओनली कंसीडर द करंट टोकन, हम सिर्फ करंट टोकन को देखते हैं इन ऑसिलेशन फ्रॉम एनी लार्जर कंटेंट। बनिस्बत इसके कि हम लोग पूरे के पूरे लार्ज कंटेंट को देखो, हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कंटेंट को देखते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर है कैट, इज एनिमल, तो कैट के टैग पे हम लोग खड़े हैं, कैट पे, और इसका जो टैग असाइन किया है वो नाउन का असाइन किया है, और सिर्फ हम लोग प्रेजेंट के ही कॉन्टेक्स्ट को देख रहे हैं, मतलब कैट को ही देख रहे हैं, और इसका टैग क्या है, नाउन है। अब इसके बाद क्या चांसेस हैं कि नाउन के बाद वर्ब आएगा, तो वो हम लोग किसे देखते हैं, स्टैटिकली रूल्स को अप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं कि नाउन के बाद वर्ब आने की क्या प्रोबेबिलिटीज हैं या क्या चांसेस हैं। तो यूनिग्राम में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड को देखते हुए आगे हम लोग चलते हैं। अच्छा जी, बनिस्बत इसके कि मैं पूरा का पूरा कंटेंट देखती कि कैट इज़ एनिमल, मैंने इस बेस पे नहीं सिर्फ कैट को देखकर डिसाइड किया कि इसको नाउन का टैग असाइन है, तो नाउन के बाद नो डाउट वर्ब आता है, तो ये वर्ब हो जाएगा। और हम लोग किसी भी वर्ड को टैग इस बेस पे देखते देते हैं कि उसका पीछे वाला टैग कौन सा था। जैसे कि वर्ब नाउन के बाद हमेशा वर्ब आता है, तो मैंने ये देखा कि नाउन जब भी आएगा ऑलमोस्ट उसके बाद ज़्यादा किसके चांसेस होते हैं आने के, वर्ब के होते हैं। तो इसका मतलब है कि मैं अपना प्रायर जो होगा वो मोस्ट टैग देखूंगी और उसके बाद नेक्स्ट वाला टैग असाइन कर दूंगी यूनिग्राम के अंदर।
वी विल टैग विंड विद द सेम टैग रिगार्डलेस ऑफ द वेदर इट अपेयर्स इन द कंटेंट्स दी विंड आर टू विंड। कहते हैं कि अगर विंड आता है किसी भी टैग के साथ तो मुझे पता है कि वो या तो दी के साथ आ सकता है या फिर टू के साथ आ सकता है। तो ये दोनों ही हेल्पिंग वर्ड हैं, या तो इसके बाद डेट आ सकता है या फिर कोई हेल्पिंग वर्ब वर्ड आ सकता है टू। तो विंड को तो हमेशा मैं नाउन ही असाइन करूँगी। तो इससे अगर पहले टैग आता है तो मैं डेट कह सकती हूँ, और अगर इससे पहले टू आता है तो वो हम लोग कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। यूनिग्राम टैगिंग बिहेव जस्ट लाइक अ बैकअप टैगर के, ये इस तरह बिहेव करता है जैसे लुकअप टैगर बिहेव करता है। कि उसके पास लुकअप टैगर में क्या होता है कि आपके पास एक टेबल होता है जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के टैग्स पड़े होते हैं, कि जो हम लोगों ने लिंग्विस्टिक से साइन करवाए होते हैं कि जी कैट के बाद इज आता है तो वो वर्ब है, ये लिंग्विस्टिक ने साइन किया। तो विंड अगर आता है तो हम लोग क्या करते हैं यूनिग्राम में उस लुकअप टैगर में जाकर देखते हैं जो लिंग्विस्टिक ने असाइन किया होगा उस टैग को, तो वो हम लोग असाइन कर देते हैं। मतलब आप यही समझ लें, एक चीटिंग करने वाला हिसाब है कि आपने एक टेबल के अंदर सारे के सारी चीज़ें रखी हुई हैं और एक वर्ड आता है, आप लुकअप टेबल को देखते हैं और देख कर कहते हैं कि इसके बाद ये वाला टैग आ सकता है। यूनिग्राम को टैग की हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी कोडिंग देखी थी, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं रिपीट करूँगी। एनग्राम टैगिंग, एनग्राम टैगिंग में हम लोगों एन वर्ड तक देखते हैं कि जब तक टैग डिसाइड नहीं हो जाता हम लोग वर्ड को देखते जाते हैं। यूनिग्राम में सिर्फ एक वर्ड को देखते हैं, बाई में दो को, और एनग्राम से जितने वर्ड होंगे उनमें से माइनस वन को। अब है दी विंड एंड टू विंड, तो ये दो वर्ड हैं, हम लोग दो वर्ड की बेस पर भी जज कर सकते हैं कि जो हम लोगों का नेक्स्ट वाला टैग आएगा वो कौन सा आएगा। जैसे कि दी विंड है, दी विंड, अब दो वर्ड को मैं लेकर डिसाइड करती हूँ कि इसके बाद कौन सा टैग आने के चांसेस हैं। इसको मैं क्वेश्चन मार्क कर लेती हूँ। नेक्स्ट, एनग्राम टैगिंग बेसिकली एक जनरलाइज्ड फॉर्म होती है किसकी, यूनिग्राम टैगिंग्स की, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं करंट वर्ड को देखकर उसके आगे और पीछे वर्ड को मिलाते हैं और उनको टैग कोई ना कोई असाइन करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग जो है बेसिकली यही एनग्राम टैगिंग की हेल्प से हम लोग असाइन करते हैं, और ये n माइनस वन प्रोसीजिंग टोकन होते हैं। मतलब लेट अस से कि आपके पास एक कॉर्पस है जिसमें n नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, तो हम लोग तब तक इनको मिलाते जाएंगे, और कब तक, n माइनस वन तक, कि n टोटल होने से एक नंबर कम तक, उन सारों को इकट्ठा भी मिला सकते हैं एनग्राम में जाने से पहले। अगर हम लोग n को तीन रखें, इसका मतलब है कि हम तीन तीन वर्ड को प्रोसीड कर रहे हैं, दो वर्ड की बेस पर नेक्स्ट थर्ड वाले वर्ड को टोकन असाइन कर रहे हैं। 3n का मतलब ये है कि तीन वर्ड को कंसीडर किए, जैसे मैं कर लेती हूँ कंटेंट कॉन्टेक्स्ट इज दी, ये तीन वर्ड है, और कॉन्टेक्स्ट इज की बेस पे मैं ये असाइन करूँगी कि इससे नेक्स्ट वाला वर्ड जो आएगा उसको कौन सा टैग असाइन करना है। अच्छा जी, एन एनग्राम टैगर पिक द टैग डैट इज मोस्ट लाइकली इज गिवन टू द कंटेंट, और हम लोग हमेशा एनग्राम टैगिंग के अंदर वो वाला टैग नेक्स्ट वाले वर्ड को असाइन करते हैं जो सबसे ज़्यादा मोस्ट अक्रेंस हो। किससे हमें पता चलेगा ये मोस्ट अक्रेंस टैग है, हमें लुकअप टेबल से पता चलता है कि ये मोस्ट अक्रेंस टैग है। अच्छा जी, ये भी हम लोगों ने बैकअप स्ट्रेटजी लुकअप अप सॉर्टिंग आ टैग है, कि हम लोग टैग को सॉर्टिंग आर्डर में भी कर सकते हैं। ये कोडिंग हम लोग बाद में देखते हैं, पहले देख लेते हैं कि लोडिंग टैगर को लोड कैसे करते हैं। सबसे पहले एक मैंने पिकल इंपोर्ट किया और लोड किया, और इसके अंदर एक मैंने वर्ब के इंडेक्स जनरेट किया इंट का, और मैंने कहा ओपन करो टी
टू डॉट पीकल एंड आर बी, और वो वाले वर्ड लेके जो एंड होते हैं आर बी पे, और इम्पोर्ट कर दो, मतलब इनको लोड कर दो और मुझे दिखा दो ये सारे के सारे वर्ड। अब देखें यूजिंग का कोटेशंस, यहाँ पे भी तीन कोटेशंस यूज हुई हैं और यहाँ पे भी तीन कोटेशंस यूज हुई हैं। तो फर्स्ट को वो कहता है ये आर्टिकल है दी, इसके बाद है बोट्स का मतलब है नाउन के साथ डॉलर साइन का मतलब है एस भी आ सकता है। एक्शन, एक्शन भी एक उसने कहा हुआ है नाउन है। शोज के साथ भी उसने एस लगाया। अच्छा अब देखें शो एक नाउन था, अब नाउन के साथ एस लगाने का मतलब ये है कि ये नाउन कोई भी होगा और उसके साथ एस लगा होगा, और डॉलर साइन का मतलब ये होगा कि इसके साथ सिंगल कोटेशन मार्क के साथ एस लगा होगा। अच्छा जी आगे चलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड टैगिंग। ये बेसिकली टैगिंग क्या होती है, इसके अंदर जो हम लोगों का एक एनग्राम इश्यूज ये आता है कि अगर हम लोगों ने एनग्राम नंबर्स को कंसीडर करके फिर एक टैग असाइन करना है तो ये स्टोरेज जो लैपटॉप्स की होगी या फिर हमारे सिस्टम्स की होगी वो बहुत ज़्यादा लेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह किया गया, ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड टैगिंग की। अच्छा जी अगर हम लोगों ने एन नंबर्स को देकर फिर टैग असाइन करना है तो इसका मतलब है एक लार्ज साइज हम लोगों का कॉर्पस हो जाएगा, एक लार्ज साइज का हम लोगों के पास लुकअप टेबल हो जाएगा जिसको देखकर हम लोगों ने टैग असाइन करना होता है। एनग्राम टैगर बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये बैकअप ऑफ मैनी स्टोरेज ह्यूज टेबल्स बनाता है, ट्राईग्राम्स बनाता है, बाईग्राम्स बनाता है और मिलियंस एंट्रीज को एंटर करता है एनग्राम जो टैगर है। तो इसलिए इसको ट्रांसफॉर्मेट करना, इसको समझना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगर लार्ज साइज में हमारे पास एक टैगर आ जाए तो। इसका एक और इशू भी है, अगर पी ओ एस टैगिंग जो अभी हमने बेसिक्स की बात कर रहे हैं नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब की, लेकिन अगर हम लोगों ने प्रोफिक्सिस इसके ऊपर पोस्ट फिक्सिस वर्ड के ऊपर लगाने हो तो वो तो एक और ह्यूज प्रॉब्लम बन जाएगी एनग्राम के अंदर। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो लिमिटेशंस हैं वो एनग्राम के अंदर आती ही आती हैं। अच्छा जी अब देख लेते हैं इन लिमिटेशंस को फिर हम लोग कैसे रिजॉल्व करते हैं। रूल बेस्ड एल्गोरिदम्स इस्तेमाल करते हैं कि जो पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग को रिमूव को सॉल्व करने में हेल्प करती है। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम वन स्टेट टू एन अदर, और ट्रांसफॉर्मेट करते हैं हर एक को पिछले वर्ड की बेस पर नहीं जज करना शुरू कर देते, बल्कि जब भी हमने किसी एक वर्ड को किसी दूसरे वर्ड का टैग असाइन करना होता है तो हम देखते हैं कि इस वर्ड के बाद यहाँ पे जाने जाने कि क्या क्या रूल्स हैं, कि क्या ऑफ के बाद वन आता है, क्या ऑफ के बाद स्टेट आता है। तो इसका मतलब है हम रूल्स पे चले जाते हैं एनग्राम में, प्रेजेंट वर्ड को देकर हम लोग नेक्स्ट वर्ड डिसाइड कर लेते हैं, जबकि ट्रांसफॉर्मेशन में हम इस तरह नहीं करते। ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि रूल्स क्या है, कि नाउन के बाद वर्ब आता है या वर्ब के नाउन के बाद नाउन आने के भी चांसेस होते हैं। इसके बाद है लिंग्विस्टिक्स की हेल्प लेते हैं। लिंग्विस्टिक्स से हम लोग कॉर्पस को कोई भी टैगिंग असाइन करवाते हैं, फिर उसको देखकर हम लोग डाटा के अंदर कोई भी टैगिंग पे या टैगिंग असाइन करते हैं। TBL allow us to have linguistical knowledge in the readable form, और TBL एक data representation करने का method है जो कि हमें ये बताता है कि linguistic की knowledge जो linguistic ने किसी भी English के word को कोई भी tag assign किया इसको read कैसे करना है, इसकी readability को easy बनाता है। अच्छा जी आगे चलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड टैगिंग। द जनरल आइडिया इज़ वेरी सिंपल है, बेसिकली गैस द टैग ऑफ ईच वर्ड, और हम लोगों ने किसी भी वर्ड का टैग गैस करना होता है किस बेस के ऊपर बैकअप का जो वर्ड आया होता है उस बेस के ऊपर, और
ये फिक्स भी मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन जब हम लोग रूल बेस पे करते हैं और इसके अलावा लिंग्विस्टिक से हेल्प से करते हैं, तो इसमें कम चांसेस होते हैं इन इश्यूज के आने के कि हमने टैग गलत असाइन किया हुआ है। अच्छा जी, एनालॉजी में हम लोग सपोज करते हैं कि हमारे पास एक पेंटिंग है और जिसके अंदर एक ट्री है और विद इट्स डिटेल ऑफ बग्स ब्रांचेज विंग्स एंड लीव्स अगेंस्ट अ यूनिफॉर्म स्काई ब्लू बैकग्राउंड। कि आप एक पिक्चर कंसीडर करें कि आपके वहाँ पे एक ट्री है, ब्रांचेज हैं, मतलब दरख्त की ब्रांचेज हैं, उसके पत्ते हैं और स्काई है, बैकग्राउंड है, इंस्टेड ऑफ पेंटिंग। कि आपके पास पेंटिंग नहीं है लेकिन आप ये सारी चीज़ें कंसीडर कर रहे हैं, तो आपको शायद इस पेंटिंग को समझने के लिए ज़्यादा अपना नॉलेज यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपको उसकी पिक्चर्स दिखा दूं कि ये पेंटिंग है, यहाँ पे ट्री है, तो आप ज़्यादा इजी से समझ सकते हैं कि अच्छा ये पेंटिंग की बात हो रही है। कलर भी इवन के आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से जान सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक लिंग्विस्टिक की टैगिंग दिखा दी जाए तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अननाउन कॉर्पस को टैगिंग असाइन कर सकते हैं, बनिस्बत इसके कि मैं आपको वैसे बताऊं कि नाउन के बाद प्रोनाउन आता है, ये आता है, वो आता है, तो इस तरह आपकी वो नॉलेज गेन नहीं कर सकते हम लोग। इसके बाद है कि ट्रांसफॉर्मेशन बेस में हम क्या करते हैं, नाउन को रिप्लेस कर देते हैं वर्ब के साथ भी, और प्रीवियस जो वर्ड होगा वो टू होगा। हम नाउन को कब वर्ब में चेंज करते हैं, जब उसका प्रीवियस वर्ड टू होगा, और टू से कब रिप्लेस करते हैं, आई एन किसी उसकी कैटेगरीज को बता रहा होगा, जब नाउन के साथ एस होगा। ये देखें जी, यूनिग्राम में क्या करते हैं, नाउन आया है, इंक्रीज टू इंक्रीज ग्रैंट, तो ये देखें यूनिग्राम में टू नाउन और फिर आया है जी हमारे पास ग्रैंट, जबकि रूल वन ये है कि ये वर्ब है। रूल टू कहता है कि आउटपुट क्या कहेगी कि इंक्रीज नाउन नहीं है, ये वर्ब है। क्यों? क्योंकि नाउन से पहले क्या आया हुआ है, टू आया हुआ है। इसका मतलब है एज अ वो नाउन यूज़ हुआ है, एज अ वो वर्ब यूज़ हुआ है, इसका मतलब ये था। अच्छा जी, आगे चलते हैं। रूल लर्निंग में हम लोगों के पास क्या होता है, ऑटोमेटिकली हम लोग एनोटेट करते हैं डाटा को, ह्यूमन रीडेबिलिटी के लिए बनाते हैं कि ह्यूमन इसको रीड कर सके और बता सके कि इसके अंदर इशू क्या है। कि आप इस तरह डाटा को अरेंज करें कि अगर इसके अंदर कोई एरर अक्कर हो भी जाता है तो ह्यूमन उसको रीड करके बता सके कि मशीन ने इस वर्ड को नाउन असाइन किया जबकि यहाँ पे वर्ब असाइन होना चाहिए था। तो इसका मतलब है एक्सपर्ट की नॉलेज के लिए डाटा रीडेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, ये थी ट्रांसफॉर्मेशन स्पेस टैगिंग की बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि मशीन लर्निंग क्या होती है, डाटा क्या होता है और इसको किस तरह यूज़ करते हैं हम लोग लैंग्वेज टेक्नोलॉजी के अंदर। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।